कक्षा, सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में हम करने जा रहे हैं फ्रूट नेम, FRUITS, फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम यानी फलों का नाम। पहले लाइन खींच लेंगे क्योंकि इन लाइनों में ही हमें लिखना है फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम। लाइनों में ही लिखना है फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम। तो जैसे नंबर एक पे है COCONUT, 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 कोकोनट यानी नारियल, कोकोनट। कोकोनट का मतलब क्या होता है? नारियल। कोकोनट का मतलब क्या होता है? नारियल। स्पेलिंग क्या है? COCONUT, कोकोनट। कह दिया वह कोकोनट, नेट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? कोकोनट। क्या बोलते हैं? कोकोनट। कोकोनट का मतलब क्या होता है? नारियल। उसके बाद में दिया हुआ पिच, PEACH, PEACH, पिच, PEACH, पिच। पिच का मतलब क्या होता है? आड़ू। क्या होता है? आड़ू। मीनिंग क्या होती है? PEACH, पिच, PEACH, पिच, PEACH, पिच। पिच का मतलब क्या होता है? आड़ू। उसके बाद है फिग, FIG, फिग, FIG, फिग। फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर, FIG, फिग। फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर, FIG, फिग। फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर, FIG, फिग। फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर। उसके बाद MELON, 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 मिलन। मिलन का मतलब होता है खरबूजा। मिलन, मिलन का मतलब क्या होता है? खरबूजा। क्या होता है? खरबूजा। तो ये तो है इंग्लिश में फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम। अब हम करते हैं गणित में। गणित में हम कर रहे थे, एक तो किए थे किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो इन्हीं को मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमें दे दिया जाए सवाल नंबर एक कि 5 किलोग्राम बराबर, यहाँ खाली स्थान दे दिया जाए, हमें लिखना हो ग्राम में उत्तर, तो हमें ये बताना है कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो पहली बात हमें ये ध्यान होना चाहिए 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। हमसे पूछा जा रहा है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम बराबर ग्राम, ये पूछा जा रहा है।
तो यहाँ लिखेंगे 5 × 1000, यानी 5 में 1000 का गुणा करेंगे तो 5 × 1 = 5, पीछे कितने जीरो रह गए, 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ लगा दो, 5000 ग्राम अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 5000, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं। हमें दे दिया जाए 13 किलोग्राम, बराबर यहाँ खाली दे दिया गया, हमें उत्तर देना है ग्राम में। ठीक है, तो वही लिखना है कि 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अब हमें दे रखा है 13 किलोग्राम, बराबर बताना है हमें कि कितने ग्राम होते हैं, तो 13 में 1000 का गुणा कर देंगे, तो 13 × 1 = 13, पीछे 3 जीरो रह गए यहाँ लगा दें, यानी 13000 ग्राम हो गया। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भर दें, 13000। तो इस प्रकार से किलोग्राम को ग्राम में आप बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।